हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आज फिर एक सफ़र पे निकल रहा हूँ मैं। आज देहरादून निकलना है हम लोगों को, आज 8/12/2022। और इस टाइम पे अभी मेरे ख्याल से क्या टाइम हुआ है, 4:45 होने वाले हैं और हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ देहरादून का सफ़र कैसे रहने वाला है हमारा। तो तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, ये हमारे बैग्स तैयार हुए हैं, रख दिए हैं हम लोगों ने। तो अब देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें देहरादून में। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी फॉग मिल सकता है हम लोगों को। सर्दियां हैं, दिसंबर का टाइम है, तो पक्का है कि हाईवे पे कहीं ना कहीं हमें फॉग मिलेगा। पर ठीक है, उसे इंजॉय करेंगे, केवल मैं और हिमा जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ एक नए सफ़र पे। और ये हम लोग अक्षरधाम पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़ लिया है और यहाँ से अब गाड़ी तेजी से निकलेगी हमारी। और ये हम हल्दीराम पहुँच चुके हैं और अभी 7 ही बजे हैं। और ये देखिए, ये हल्दीराम पहुँच गए, ठंडा बहुत हो गया है इस टाइम पे। और काफ़ी तेज़ चला ये गाड़ी, अभी 100 से नीचे नहीं चल रही थी, इसलिए हम शायद जल्दी पहुँच गए हैं। आते टाइम पे मैं अपना सूट भूल गया था और कालका मंदिर में मुझे पता चला कि मेरा सूट रह गया है, तो फिर दोबारा कालका मंदिर से वापस गए हम लोग। और अब वहाँ से हमको करीबन 10 से 15 मिनट का लेट हुआ। और इसके बाद बस ये है कि 100 और 110 के बीच में ही गाड़ी चल रही है लगातार। तो इस टाइम पे अगर आप पीछे देखें तो फॉग है बहुत ज़्यादा, पर ठीक है, अच्छा लग रहा है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है अभी इस टाइम पे। मुझे लगता है कि 10 बजे से पहले हम लोग पहुँच जाएँगे देहरादून। और ये कुल्लड़ चाय लेने वाले हैं हम लोग। ये मेरे पीछे एक चाय, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, गांव जाते हैं, देहरादून जाते हैं, तो यहाँ चाय पीते ही पीते हैं। यहाँ की कुल्लड़ चाय मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। और सुबह सुबह 7 बजे हैं, बाहर बहुत ठंड है और उस पर ये गर्मा गर्म कुल्लड़ चाय, रियली रियली फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्म गर्म है और इसके साथ रस मिलने वाले हैं। मैं बताऊँ, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ती है, ये 60-70 रुपीज़ की चाय है, इसके साथ ये 4-5 रस फ्री देते हैं, बट वर्थ है, अच्छा लगता है यहाँ पर। और मैंने चाय भी पी ली है और आग भी सेक ली है। अब आगे का सफ़र हम जारी रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम जल्दी निकलेंगे तो शायद टाइमली हम वहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि जो शादी है वो क्लोज रिलेशन में है और हल्दी हाथ में हमें वहाँ शामिल होना है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुक रहे हैं यहाँ पर। हमको हल्दीराम से कुछ मिठाई खरीदनी थी, वो हमने ख़रीद ली है। और ये देखिए सामने, ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक है यहाँ का और अच्छा लगता है। इस टाइम पे भीड़ भी कंपेरेटिवली कम है और इस टाइम पे ठंडा काफ़ी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। मैंने जैकेट भी पहनी हुई है और उसके बावजूद भी अब ये, पर मज़ा है इस ठंड का, अपना एक मज़ा है। थोड़ा सा बस मुझे जुकाम लगता है जल्दी, तो उसका अगर डर ना रहे तो मैं तो इंजॉय करता हूँ काफ़ी। जुकाम अगर ना लगे तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है ऐसा सफ़र, गांव में पहाड़ों की तरफ अगर जो जाते हैं हम लोग, तो रियली मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। और इस बार शादी का मौका मिला और हम लोग निकल रहे हैं, तो चलो देखो। और ये देखिए, इस टाइम पे फॉग हो गया है, हम रुड़की के नज़दीक पहुँचे हैं अभी। और कहीं कहीं जहाँ जंगल आ रहे हैं वहाँ फॉग है और अदरवाइज़ क्लियर हो रहा है, बट हाँ कि फॉग की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं आज, क्योंकि ठंडा है मौसम थोड़ा। और ये हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं, अभी केवल 8:30-9 हुए हैं और काफ़ी जल्दी पहुँच गए हम लोग हरिद्वार। हम लोग जब भी यहाँ से निकलते हैं, गांव जाते हैं या देहरादून जाते हैं, तो हरिद्वार कभी नहीं रुकते। पर इस बार हमारा प्रोग्राम है कि वापसी में हम एक दिन हरिद्वार रुकेंगे, हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करेंगे। और इस टाइम पे मैं मिसरवाला में हूँ, देहरादून के नज़दीक डोईवाला के पास। और एक शादी में आए हुए हम लोग, और शादी में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं दिखाऊंगा। इस टाइम पे मेरे पीछे देखिए राजा जी नेशनल पार्क है और काफ़ी अच्छा इलाका है, फ्रेश एयर है, बहुत धूप आ गई है खिलखिला के, तो धूप भी बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम पर। खड़क हो गई है, देखिए इस टाइम पर मैंने जूता पहना हुआ है और उससे मेरा काम चल पा रहा है। और ये पीछे एक छोटी सी स्कूल, तो अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, फ्रेश एयर, पहाड़ों का तो हमेशा अच्छा ही रहता है। और देखिए लिम्बे लगे हुए हैं, आनंद ही आनंद है। ये बहुत सारे लिम्बे,
और आज देहरादून में बुआ जी की पोती की शादी है, तो हल्दी हाथ का समारोह अभी ये चल रहा है, तो अभी तो इनिशियल स्टेज है। हम लोग 10:30 यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब आगे देखते हैं। और ये खाने की प्लेट, और ये खाने पे कंसंट्रेशन है लोगों का, और ये आलू की सब्जी और पूरी, और ये दो देखो एकदम लग रहे हैं माँ बेटी हैं, दोनों ड्रेस कोड में हैं। और इस समय हल्दी हाथ के लिए हल्दी को कूटा जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा रिचुअल होता है, और सभी लोग इसमें हाथ लगाते हैं कूटते टाइम पे। बहुत सुंदर और कलरफुल नज़र आ रहा है सारा, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं, सभी लोगों ने पीले कपड़े और जो परिधान है ये रीजनल हैं सारे, और सब ने नथ पहनी हुई है, तो बड़ा कलरफुल और बड़ा अच्छा सा लग रहा है। सामने हेमा देखिए, वो भी इंजॉय कर रही है, उसने भी नथ पहनी हुई है। और दिल्ली में थोड़ा सा कम चांसेस मिलते हैं हम लोगों को नथ पहनने का और ये सब, बट यहाँ पर सभी लोग जो उत्तराखंड के पूरे रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है यहाँ पर। और रियली दिल से बताऊँ तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का वैसे भी जो हमारे संस्कार और रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो बड़ी प्रगाढ़ हैं, प्रबुद्ध हैं और परंपरागत हैं, तो यहाँ पर उसका पूरा का पूरा जो दृश्य है वो नज़र आ रहा है हम लोगों को, और रियली हम दिल से इन्जॉय कर रहे हैं इसको। और ये कविता बांध दे रही है हल्दी यार, तो अच्छा लग रहा है, वो भी इन्जॉय कर रही है इस चीज़ को। और अब हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है और इन लोगों ने बांध भी दे दिए हैं, तो ये पर हम अभी चल ही रहे हैं रिचुअल्स, अभी बहुत लोग हैं जो बांध देने की लाइन में हैं, तो अभी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर शाम को बारात का स्वागत होना है, जहाँ मेन बैठक है। ये जो पतली सी सड़क देख रहे हैं इसके पार फिर जो जितना भी इलाका है ये राजा जी नेशनल पार्क का इलाका है, और फेंसिंग है, यहाँ से कई बार हाथी भी आ जाते हैं, तो बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच है बसा हुआ ये। और ये शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, यहाँ पर गेस्ट को रिसीव किया जाएगा, बैठने का इंतज़ाम यहाँ पर है, और खाने का इंतज़ाम जहाँ हम पहले बैठे थे उस तरफ वहाँ पर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। देखिए देहरादून की शादी है और तैयारियां पूरी जोरों पर चल रही हैं। चलो बस, यहाँ सभी लोग पीली साड़ी में हैं और रियली सभी लोग बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा सा दृश्य बन पा रहा है यहाँ पर। Thank you.
और ये हल्दी हाथ पानियों का संस्कार पूरा हुआ यहाँ पर, और अब सब लोग टीका लगा रहे हैं। जी अच्छा और ये शादी के दौरान ये वाहनों की जो रस्म है वो पूरी हो चुकी है। और ये देखो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये सारा येलो में है सारा का सारा, और इन सभी ने अभी बांध दिए हैं। हेमा ने तो नथ पहनी हुई है, कविता नथ दिल्ली में छोड़ गई है। पसीना पसीना हो रहा है। वो खींच रही हूँ वीडियो भी ना। हाँ आपकी बारी है, जाओ रुकना भी एक बार और यहाँ देखो, यहाँ इधर चलो। और ये देहरादून में काफ़ी अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं यहाँ पर। और ये राहुल की कार, और ये हर्षित। हर्षित कैसा लग रहा है आपको बताओ? बहुत अच्छा लग। आप इंजॉय कर रहे हो? हाँ। क्या इंजॉय कर रहे हो मतलब? गुड्डा के लिए कोई मैसेज? गुड्डा के लिए मेरा ये मैसेज है, पहली बात आप क्यों नहीं आए? अगर आप आते होते तो हम बहुत खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। हाँ, एकदम खुली सी स्पेस है। आप पकौड़े भी खाते हैं? हाँ। आप पूरी आलू भी खाते हैं? अरे कैसे होता है? अच्छा आप भी। अरे यार कमाल कर रहा है, मैं भी तो यही हूँ यार। आपने हमें बताया था कि नाश्ता रेडी हो गया, इसलिए तो हम भाग भाग के इधर आए। ठीक है, और कोई मैसेज? नहीं। ऋषि के लिए? ऋषि भाई के लिए तो आने का नहीं कह सकते, उनके तो एग्जाम्स चल रहे हैं। अच्छा, और संजय मौसा और मौसी के लिए? उनके लिए भी था कि आप लोग भी क्यों नहीं आए। हाँ, क्यों नहीं आए बताओ तो क्यों नहीं आए? नहीं पता क्यों नहीं, तो बताना चाहिए ना उनको। हाँ क्यों नहीं आए? हाँ बताओ क्यों नहीं आए? बता देना। हाँ बिल्कुल, दिल्ली आते ही बता देना। दिल्ली नहीं, वीडियो कॉल पे भी बता देना। हाँ वेरी गुड। Thank you.
तेरे गले नौ बहन। और कल कीर्तन यहाँ हुआ था और ये छत से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। राहुल विश्राम की अवस्था में और ये हीरो हंस रहा है अपने पापा को। लेकिन मैं विश्राम की व्यवस्था में नहीं। व्यवस्था नहीं अवस्था। और ये एक स्पेशल छोटी सी आप इसको नहर का एक छोटा सा पार्ट है जो नहर से जो गंगा वाटर आता है उसी का एक इन्होंने डाइवर्जन किया हुआ है और ये पूरा स्ट्रेच में चलता चला जाता है और इस इलाके में इसकी वजह से पानी की सिंचाई की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये साफ पानी है एकदम जो पहाड़ों से आ रहा है। और ये खूबसूरत रोज़। और ये व्लॉग यहीं पूरा होता है। शादी के लिए आगे दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।